क्या यूपी की सियासत में अब जाति पर जंग शुरू होने वाली है? क्या विकास के मुद्दों पर यूपी में जाति भारी पड़ने वाली है? ये चर्चा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर छिड़ी है। वो आरोप जो चिट्ठी की शक्ल में उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि यूपी में पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के साथ नौकरी में भेदभाव हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में ओबीसी एससी एसटी के साथ नौकरी में भेदभाव होता है? क्या आरक्षित वर्ग की सीटें जनरल कोटे में जोड़ने का खेल चल रहा है? और क्या जाति पर एनडीए में दरार पड़ती नजर आ रही है? ऐसे और इसी तरह के तमाम सवालों की चौपाल 28 जून को अपना दल एस की चीफ और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की लिखी चिट्ठी के बाद लगी है। अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर भेदभाव का आरोप लगाया था, जिसके मुताबिक सरकार की साक्षात्कार वाली भर्तियों में ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट को नॉट फाउंड सुटेबल यानी वो योग्य नहीं है कहकर नियुक्ति से रोका जा रहा है, बाद में पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। आरोपों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सफाई जारी करते हुए अनदेखी की बात को नकार दिया है और पूरी चयन प्रक्रिया बताई है। सफाई में लिखा गया, आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं और उन्हें बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत विवरण को इंटरव्यू काउंसिल से छिपा दिया जाता है। इंटरव्यू काउंसिल नॉट सुटेबल नहीं लिखती, बल्कि ग्रेडिंग के जरिए नंबर दिए जाते हैं। अब मुद्दा उठा तो निषादों की बात करने वाले यूपी के मंत्री संजय निषाद ने भी अनुप्रिया की मांग में हां में हां मिलाई तो कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ चिट्ठी मत लिखिए, उनके लिए काम भी करिए। चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होकर सही पहल के पहल होना चाहिए और जो कुछ उसमें 19-20 से करके इसे मुद्दे को हल कर दे। ओबीसी वर्ग ने आपको अपना सिरमौर बनाया है, अपने सर पर बैठाया है, उनके साथ चिट्ठी लिख करके गद्दारी मत कीजिए, काम कीजिए। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, सरकार जाति जनगणना नहीं मानती, सड़क पे आइए, सत्ता छोड़िए, तब माना जाएगा आपकी चिट्ठी में दम है, वरना तो माना जाएगा कि आप सिर्फ लिपापोती कर रही हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो उठता है कि योग्य नहीं होने पर हमेशा की तरह खाली पड़े पदों को अगली भर्ती के लिए तय कोटे में ही शिफ्ट किया जाता रहा है, तो फिर अनुप्रिया पटेल ने अभी ये मुद्दा क्यों उठाया? तो इसके पीछे है अनुप्रिया पटेल की एससी एसटी और ओबीसी वाली सियासत, जिसके दम पर वो आज केंद्रीय मंत्री है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में ओबीसी एससी एसटी वोट बैंक के बड़े हिस्से के छिटक जाने की बात कही गई है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें काफी कम हो गई और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ओबीसी वोट बैंक का छिटक जाना था और अपना दल एस भी ओबीसी वोट बैंक की राजनीति करती आई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में अपने वोट बैंक को वापस लाने के लिए अनुप्रिया पटेल इस चिट्ठी को लिख रही हैं ताकि उनके समाज में और उनके वोट बैंक में मैसेज जाए कि वो उनके मुद्दों को उठा रही हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि अनुप्रिया पटेल नहीं चाहेंगी कि यूपी में एससी एसटी ओबीसी वोट बैंक उनसे छिटके, उसमें भी कुर्मी समाज का वोट, क्योंकि उन्हीं की राजनीति करके वो केंद्रीय मंत्री के पद पर बैठी हैं। ऐसे में उनका प्रयास यही है कि अगर आरोप लगे भी तो उसके लिए यूपी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार माना जाए। हालांकि इस चिट्ठी का गठबंधन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं, ऐसा कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।